जितने भी आर्टिस्ट हैं ना पोर्ट्रेट ड्राइंग जरूर करना चाहते हैं, इसलिए मैंने एक रिसर्च किया है और यहाँ पे लाया हूँ एक टेक्निक जो आप देख रहे हो कि इरेजर है। इरेजर से आज हम लोग पोर्ट्रेट ड्रॉ करने वाले हैं। वो कैसे होगा, यहाँ पे देख रहे हो कि एक इरेजर का जो मार्जिन है ना हॉरिजॉन्टल, हम लोगों ने एक मार्जिन लिया है तीन, एक सेंटर और दोनों साइड, तो तीन साइड में देख रहे हो, चार आप ग्रिड देख रहे हो ना, ऐसा ही कुछ हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं। मैंने मार्किंग कर ली है चार, यहाँ पे देख रहे हो ना कि इक्वल तीन बॉक्स हो चुके हैं। अब कैसे डिवाइड करेंगे हम लोग देखो, अब कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग देख लो, यहाँ पे एक रेफरेंस लिया है, सेम आपको गैप दिखेगा आई का, तो ये हम लोगों ने सेम अपने ड्राइंग में किया है। तो यहाँ पे अभी आ गए हम लोग आई के लिए, तो सिंगल आई जो है, जो हमारा बॉक्स है उसमें हम लोग आई को ड्रॉ कर रहे हैं, और एक तो ये है कि आपको आई सामने दिख रहा है अपने रेफरेंस में, तो सिमिलरली उसी साइज का हमें ड्रॉ करना है, और जितना आई बॉल है आई बॉल भी हम लोगों ने ड्रॉ किया, उसके नीचे जितने भी रिंकल्स है वो ड्रॉ कर लिया। अब देखो यहाँ पे टेक्निक क्या बनती है, यहाँ पे हम लोगों ने आई का जो नीचे लाइन है उससे हम लोगों का जितना भी ऊपर से मार्जिन मिलता है ना वो हमारा हो गया आईब्रो, तो यहाँ पे हमें आईब्रो भी मिल गया। तो ये टेक्निक है ना, आप देखते जाना सब कुछ, जितने भी पोर्ट्रेट है ना सब के सब ड्रॉ होने वाले सिंगल एक इरेजर से। तो ये मार्जिन आप हमेशा ध्यान रखना, जितना वन आई का साइज होता है वही दूसरे आई का साइज होता है, और दोनों आई का जो गैप होता है ना वो भी एक आई का साइज ही होता है। तो ये बेसिक चीजें आप ध्यान रखना, सिमिलरली जैसा हम लोगों ने राइट आई में किया था लेफ्ट आई में भी वही किया, नीचे जो आई पे हम लोगों आई लाइन है ना वहां पे इरेजर रखा, और ऊपर जितना भी मार्जिन मिलता है उसको हम लोगों ने बना लिया है आईब्रो। तो यहाँ पे देख रहे हो नोज हमें इजिली पता चल जाएगा, देखो जहां से ना सेंटर ऑफ आई है ना वहां से आप जितना भी देख रहे हो ना कि आई जहाँ पे खत्म हो रहा है उतना ही साइज होता है नोज का, और नोज का जो गैप है विड्थ जो है ना एक इरेजर जो था हमारा वही रहेगा, और आप कंसिडर कर सकते हो दोनों आई का जो गैप होता है ना वही नोज का विड्थ होता है। तो ये हमें बहुत इजिली मिल चुका है नोज भी, और इसके बाद जो आएगा ना वो है लिप्स। लिप्स के लिए भी एक नया टेक्निक मैंने यूज किया है, एक गैप कितना हम रख सकते हैं, देख रहे हो ना जितना भी आप देख रहे हो ना कि आई बॉल है ना, आई बॉल जो जितना ब्लैक पार्ट है ना वही उसका साइज होता है, नीचे अगर वर्टिकली देखोगे ना तो हमारा लिप स्टार्ट होता है। लिप्स का विड्थ जो है ना कितना होगा, जहां पे आई बॉल स्टार्ट होता है वही जो है ना नीचे तक अगर आप लेके आओगे तो यहाँ पे आपको लिप्स का विड्थ भी मिल जाएगा, जैसे हम लोगों ने रेफरेंस में भी देखा, और दोनों चीजें सिमिलरली चल रही है। तो यहाँ पे ना एक कहते ना कि ये जो टेक्निक है सही तरीके से काम कर रहा है, और इरेजर का साइज है जो मैंने ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट किया। अब देखो यहाँ पे जितने भी आप आईब्रो देख रहे हो ना, आईब्रो और नोज का जो गैप होता है ना वही साइज होता है हमारे चिन के लिए, तो नीचे देख रहे हो, और वही साइज आपको फोरहेड के लिए भी होगा। और ये बहुत सिंपल और इजी टेक्निक है, कोई भी जिसने पोर्ट्रेट ड्राइंग आज तक नहीं किया ना वो पोर्ट्रेट ड्राइंग कर सकता है। देखो आई नोज लिप ईयर्स ये सब बनाने में डिफिकल्टी नहीं है, लेकिन सबको एक इकट्ठे मर्ज करके बनाने में ना एक पोर्ट्रेट बनाने में दिक्कत होती है, गैप कितना होना चाहिए, साइज कितना होना चाहिए, ये सब साइज मैंने आपको गैप सब कुछ बता चुका हूँ। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये हमारा एक सीरीज है, सीरीज मतलब ये जो पोर्ट्रेट है पोर्ट्रेट को हम लोग कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे हम लोग आज बना रहे हैं आउटलाइन। तो आउटलाइन में बनाने में बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है, क्योंकि शेडिंग अगर बहुत अच्छा भी कर लो लेकिन अगर आउटलाइन नहीं मैच कर रहा है तो किसी का फेस होगा ना वो मैच नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हो, और जितने भी चिन पार्ट है ना वो सब आप मिक्स कर लोगे, और जितना भी चिन पार्ट है ना वो आप मैच कर लोगे रेफरेंस। तो यहाँ पे देख रहे हो कि ऑलमोस्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, और ये जो मैंने बनाया एक रफ ड्राइंग है, क्योंकि हम लोगों ने कैलकुलेट करके बनाया हर चीजें। अब इसके ऊपर आप थोड़ा इरेजर से 80% तक इरेज करके उसके बाद हम लोग फेयर ड्राइंग करने वाले हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तो ये आउटलाइन का जो टेक्निक है आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अगर आपको लगता है कि किसी को शेयर करने से दूसरे को फायदा होने वाला तो शेयर जरूर करना। हाँ, और नए आए हो हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ये जो ट्यूटोरियल है ना ये हमारा एक फास्ट वर्जन है, अगर आपको स्लो वर्जन चाहिए एकदम रियल टाइम वीडियो चाहिए ना तो हमें आप ज्वाइन कर सकते हो। कैसे ज्वाइन करना इस वीडियो के बाद आपको पता चलेगा। YouTube पे जाके आपको टाइप करना है स्केचबुक बाय अभिषेक, मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। चैनल ओपन होने के बाद आपको कई सारे वीडियो दिख जाएंगे, तो उस वीडियो में से कोई भी एक वीडियो आपको सेलेक्ट कर लेना है, ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद उसमें आपको दिखेगा एक टाइटल बार, जहाँ पे उसका टाइटल होता है, जैसे यहाँ पे डे वन वगैरह लिखा हुआ है, ड्राइंग फॉर बिगनर्स लिखा हुआ है, उसके जस्ट नीचे आपको एक ज्वाइन बटन दिख जाएगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जो कि अब तो 29 रुपीज़ से भी आ चुका है। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है ज्वाइन बटन, और उसमें आपको पेमेंट कर देने के बाद आप एक्सेस कर सकते हो वीडियोज़ को। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।